हाय दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे बिल्कुल ब्रांड न्यू टूर्नामेंट की वीडियो में। ये टूर्नामेंट थोड़े कम बंदे और आ बंदे आए ही नहीं, पता नहीं क्यों क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आया बंदे कम क्यों आए। पर भाई साहब टूर्नामेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा औसम था। कलच पर कलच, कलच पर कलच, मुँह पाड़ कलच, इतने कलच, हद से ज़्यादा कलच, जिसे भी देखो वही कलच वाइप कर रहा पेल लक्की, बस गोड़ी गोड़ी मोई मुँह पर बड़ाबड़ बड़ाबड़ बड़ाबड़। तो बिना कुछ देरी करे आ जाते हैं हम गेम पे। बंदों की ढंग से आंखें भी नहीं खुली थी, कईयों ने तो कपड़े भी नहीं पहने थे ढंग से, कईयों के पैर धरती पर मिटके थे इतनी देर। और टीम बीटी पर बोलो रावण को उड़ा दिया भाई साहब, शॉट गन मारी मुँह पर, यहाँ गाल फाड़ दी पल्ले तरफ की। और भाई साहब कौन था, रॉयल किंग सेंसे बोलेगा टीम बीटी पर बोलो, दोबारा रॉयल किंग को उड़ा दिया। चलो बाबू, और इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इन्होंने कहा सेंसे को रुकवा बाबू, लाया एम फोर दे जरा तू मुझे, मैं मुँह फाड़ गाऊँ तू सस्ता सस्ता रहे। अंदर गया मुँह फाड़ गया यहाँ, रॉयल किंग भी गया, अरे रावण भी गया, चल ठाओ खेलो, पूरी स्कोर कर दी वाइप, टीम बेटे पर बना ओपी वाइस सा। अभी एक क्लिप मुझे मिली है वैम्पायर से, वैम्पायर को देख के सामने एक कार गोली इस तरह भेज दी, जिस तरह फ्री की गोली नहीं होती, अनसठ बजा रखी, दो गोली, तीन गोली, चार गोली, अनसठ बजा रखी। चलटा बाबू जैसे ही रुके, वैम्पायर नेडर हो देख भाई, हमारी टीम का सबसे खतरनाक नेडर एक वैम्पायर, एक क्रिमिनल, तेरे यार ने बिल्कुल सूत को मारा बम, माथे पर मारो भाड़ा देसी। और उसमें कौन फटा, K9 डेड शॉट फटगा, सबर यो करता नहीं, आग घुस गया, एक पड़ावा दिख गया, तूफान तूफान ठा दिया उन्होंने। चलटा बाबू तू भी नोक, कोई बात नहीं, आगे को घुसा डैडी ने, यहाँ पीला को मेरे को नोक मार दिया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, मुँह पर मुँह पाड़ते फिर दे, क्योंकि इन्हें पता था लपेट देंगे है ही, क्योंकि वो थे डिसएडवांटेज में, दो बंदे हो चुके थे नोक, सॉरी तीन, यहाँ डेड शॉट पड़ा था, रिवाइव हो के यो भी गया, लास्ट का बंदा बचा साहिल नाम था शायद उसका, वैम्पायर ने जिगल पर जिगल दे, जिगल पर जिगल, चल था बाबू खेलो तीनों बंदे साफ, और वैम्पायर ओपी इन द चैट होगा काम। अब भाई टीम बीटी पर भूखे लड़ाई हो रही थी, यहाँ टीम बीटी पर ने बहुत तगड़ा स्प्रे दिया पर नॉक कोई नहीं हुआ। और भाई यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, इंडिया डायनामो को बीटी पर वो दिख गया, पूरा का पूरा सफाया कर दिया, पुच्छा लगा को साफ कर दिया भाई साहब लौंडे ने। फिर इसकी एक टीम में था मलिक, मलिक को दिख गया कोई, यहाँ उनने स्प्रे दिया तगड़ा, और लव यू रावण सेंसई को लेगा, लव यू रावण ने K9 शूटर को पूरा का पूरा उड़ा दिया और ख़त्म कर दी टीम। इस तरह इनके पास भी खिला गए पूरे तीन। चलटा बाबू खेलो, अब आते हैं भाई आके। और भाई दूसरी टीम लड़ाई भरी थी AP वालों के बीच में और K9 7 की टीम में, K9 7 यहाँ AP हमजा को ले गया और फ्रैग जो है वो किटी को ले गया। कुल मिला के बात यहाँ आती है भाई, तीन बंदे मार देंगे इनके, पूरे फिनिश कर देंगे, मेरा नेट हो रहा था लैग इसलिए भाई मैं दिखा नहीं पाया। दूसरी लड़ाई थी माफिया आवेश और अलीस पटन और AK मलिक की टीम में, अच्छा स्प्रे दिया अलीस पटन ने पर बिल्कुल ही कवर के बाहर खेला था, नॉक हो गया। जैसे ही नॉक हुआ उसके दूसरे साथी लड़ रहे थे AK मलिक को भी उन्होंने नॉक कर दिया। K9 हंटर किसी तरह भाई बचाने की कोशिश करता पर बचा नहीं पाता, ये तीनों फिनिश हो जाएंगे, K9 सोनू बच जाएगा। मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा इतना गंदा नेट भाग गया था यहाँ पे भाई कि मुझे कुछ दिखा ही नहीं, बाद में मैंने आके किल फील्ड में पड़ा। यहाँ पर K9 वैम्पायर की टीम जो है वो सीधी भिड़ गई भाई यहाँ पर, और उसने स्टार ओपी को कर दिया, K9 वैम्पायर ने नॉक अंधा जिगल दे के, और भाई साहब AWM ओपी को भी पी गया वैम्पायर, और साइकोनस हो गया वो नॉक। और यहाँ पर उसने एक नेड मारा और रोबोट ओपी को भी वो ले जाएगा, ग्लिच के कारण यहाँ दिख नहीं रहा, लास्ट में दिखाऊंगा 6 किल है वैम्पायर के, वैम्पायर ओपी टीममेट है। तब यहाँ एक और बंदा आ गया हार्ट किलर और डायनामो त्यागी, जो कि भाई पूरी की पूरी K9 टीम को ले गए, पूरी की पूरी फिनिश कर दी ओपी, बहुत ओपी खेल लेते दोनों बंदे। यहाँ पर मलिक ने आइल मार्क को नॉक किया, एंडर डायनामो ने आइल मार्क को पूरा फिनिश कर दिया। अब भाई होता क्या है, इनके दो टीममेट बच रहे हैं, K9 साइक्लोब और AA अली, जो कि बिना किसी दिक्कत के मलिक पेल के चलता कर देता है। AK मलिक तो यहाँ पर नॉक करता है और तभी एक मलिक को दोबारा दिखता है K9 साइक्लोब, उसे भी सीधा का सीधा हाथ के हाथ पूरा फिनिश करके कर देता है वो ख़त्म, और खुशी जाहिर करता है मुक्का लपेट के हवा में। चलटा बाबू खेलो, चलो बाबू आते हैं आगे। आगे क्या हुआ भाई, ये फ्रैग और K9 सहवान और डार्क डी NM की टीम जा रही थी, तीन बंदे मार चुके थे AP वालों के, तो भाई ने आहट सुनाई दी थी पैरों की, क्योंकि उन्हें पता था कि पैर को किसी के पैरों की आवाज़ आई जाती है, जैसे सब हम पबजी खेलते हैं पता ही लग जाता है। तो उसे दिख गया K9 साहबान को एक बंदा, और उसने ठाके भाई पूरा का पूरा लपेट दिया। चल था अब्दुल समद को, पूरी की टीम कर दी उन्होंने फिनिश। ओ मेरी जान साहबान, छिड़न जा रहा बिल्कुल भी K9।
तभी मैं क्या देखता हूँ भाई, यहाँ पर 8R लग की जैद डेविल को नॉक करता है और डार्क जूनिट नोवी डेविल को नॉक करता है। आ गए भाई हम लड़ाई पे, ये पड़े दोनों। नोवी डेविल किसी तरह रिवाइव हो जाएंगे क्योंकि उन्हें एस डेविल रिवाइव कर देगा। असमर डेविल यहाँ डार्क जूनिट को नॉक कर गया भाई, पर वो पूरा फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि सामने से 8R लग की उसे दे रहा था कवर। अब आगे देखते रहे आप, अब ऐसा क्या हुआ, एस डेविल ने नोवी डेविल को रिवाइव करवाया पर कोई उसे दोबारा से नॉक कर गया। 8R लक्की, 8R लक्की से दोबारा नॉक कर गया। एस डेविल ऊपर गया, पीछे पीछे 8R लक्की की लाओ मैं से लपेटता हूँ, पर वो नीचे कूद गया। जैसे ही वो नीचे कूदा, नीचे कूदने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पर नॉक आया भाई एकदम गोहान ओपी का एस डेविल को, पूरा फिनिश मारा। और डार्क जुनेद 8R लक्की ने जैड, ये तो मतलब पूरी टीम फिनिश कर दी। और डार्क जुनेद जो है वो ले गया समर डेविल को। हर्ट किलर ने यहाँ लव यू रहन वाली पूरी की पूरी टीम को उड़ा दिया। ये हर्ट किलर है और भाई साहब ये पूरी की पूरी टीम उड़ा रहा है, इसने तीन बंदे तो उड़ा दिए हैं। ये हर्ट किलर भाई लड़का जो भी था बहुत ही ज़्यादा भी खेला था, लास्ट में बचा था अथीना भाई, इसने उसे भी उड़ा दिया। कुल मिला के बात इतनी थी कि भाई ये जो भी थे बंदे बहुत ज़्यादा तगड़ा खेल रहे थे। ऊपर भाई आराम से पड़ रहा था पी क्यू एस, इसे पता था कोई भी ऊपर आएगा मैं लपेट दूंगा। और भाई आ गया डायनामो त्यागी, इसने उसे नॉक मारा और पूरा पूरा फिनिश मारा, मैं दिखा नहीं पाया। पर भाई से ये बंदा पूरा पूरा ले गया उसे ले भाई। शिवानी क्लियर ऊपर गई कि देखो मेरी टीम मेट को किसने मारा। जैसे ये ऊपर गए इसने भाई मोली फेंक दी, और मोली में पता क्या हुआ, ये हर्ट, ये जो शिवानी किलर ना वो भी नॉक हो गई पर हर्ट किलर बच गया। तो इस तरह ले गया था भाई ने पी क्यू एस पर जो भी था। ये साहिल डाकू साहिल भी यहाँ पे आ गया था। माँ पे अंसारी ने यहाँ फ्रैग ये को नॉक मारा। जैसे ही मैंने स्विच किया तो मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ लड़ाई बज रही है माफिया वालों की और के नाइन साहबान वाली टीम की। के नाइन साहबान को भी रोबिन नॉक देता है। पूरी टीम मारने आती है फ्रैग ए को, पर वो नीचे कूदता है। पीछे से एक और टीम आ चुकी है, रैगनर टी क्यू पूरा का पूरा ले गया फ्रैग ए को। इन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर एक और टीम है, ये बेचारे ऐसे ही घुसे जा रहे थे। अजीम डेविल जो है वो सीधा घुसता है पीछे से, जिसान उसे नॉक देता है बड़ा ही तगड़ा। और ये जो अंदर पड़ा है, अंदर पड़ा एस आर के डेविल पहले ही नॉक कर चुका है। रॉबिन एस आर के डेविल को नॉक कर चुका है। माफिया अंसारी पूरा पिता रैगनर टी क्यू को, और बचा हुआ फ्लो गया सब भाई साहब जहर स्प्रे के साथ माफिया जिसान और माफिया अंसारी को नॉक करता है। पर माफिया आवेश उसे ले ही जाता है और अपने टीममेट को बचा लेता है। यहाँ पर चार टीम थी, पर भाई थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि माफिया वाली पूरी टीम जोन से फिनिश हो जाती है पूरी की पूरी। ये लो भाई पूरी की पूरी फिनिश। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं आना चाहता। हर्ट किलर को यार डार ए पी जैद दिखता है, वो ए पी जैद को मार देता है नॉक, पर वो बच जाता है क्योंकि वो सारे के सारे कवर में कोई बाहर नहीं आ रहा। सोचता है यार नेड़ मार के कोशिश करता है मारने की, पर नहीं मार पाता सबके सब कवर में बैठे हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मैच था ये लास्ट में। यहाँ पर मिस्टर रेड मिस्टर यू के 04 थोड़ा अलग ही बैठा था, तो उसने थोड़ा सा स्प्रे दिया हर्ट किलर को पर वो बच गया। अब ऊपर शिवानी किलर पहले से थी, इन्होंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी पर मिस्टर रेड मिस्टर यू के 04 नॉक नहीं कर पाया शिवानी किलर को, और ना वो से कर पाई, पर पीछे से आया हर्ट किलर नॉक करा फिनिश करा ख़त्म। चलो भाई अब यहाँ पर लड़ाई बच गई 9 बंदों में। डार्क जूनियर ने कहा कि बस भाई बहुत सब्र हो गया, सीधा ऊपर चढ़ गया भाई साहब। तारीफ बन गई इस बंदे की, ऊपर गया बंदे को नॉक किया जो बैठा था, दूसरे बंदे को नॉक किया, ख़त्म करी इन्होंने पूरी की पूरी टीम फिनिश कर दी इन्होंने। पर इन्हें ये नहीं पता था कि अब जोन आ गया भाई, ये जोन के चक्कर में मतलब इन्होंने ध्यान ही दिया लड़ाई के चक्कर में, और यहाँ पर फ़ायदा ले गया हर्ट किलर। ओपी दिमाग लगाया बंदे ने, पहले ही जोन में पहुँच गया, उसे पता था दूसरी टीम अंदर आएगी जोन में और मैं उन्हें फिनिश करूँगा। यहाँ पर 8R लक्की नॉक हो चुका है, गोहान ओपी ने हेल्थ लगा रहा है पर पूरी नहीं कर पाता नॉक होता। डार्क जूनियर की जो गाड़ी है वो यहीं पर फंस गई, और ये पूरी की टीम में से तीन बंदे तो हो जाते हैं जोन में फिनिश। सुच्चा जा रहा है, सुच्चा को नॉक कर देता है सीधा, सुच्चा को फिनिश मारता है सीधा हर्ट किलर। ऐसे ये जीत गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई हर्ट किलर डायनामो त्यागी और शिवानी किलर। सेकेंड आए गोहान ओपी 8R लक्की डार्क जूनियर सुच्चा। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।